हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2D मेंसुरेशन का। जी हाँ, ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्क्वायर और रेक्टेंगल का एक टॉपिक है जिसके अंदर हमको एक गार्डन दिया हुआ रहता है, उसका पाथ निकालना होता है। जैसे साइड में जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक ABCD एक गार्डन है, इसके साइड में जो पाथ है उसका एरिया निकालना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं पढ़ा तो आपने 2D मेंसुरेशन का कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहे इसको पूरा देखने के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रिक्स में। ठीक है, तो आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक बार इनके फॉर्मूले देख लेते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए स्क्वायर। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, यानी ये जो चारों साइड है ये बराबर है, वो कहलाता है स्क्वायर। तो जिसकी चारों साइड इक्वल होती है वो कहलाता है स्क्वायर। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड स्क्वायर, यानी इसकी जो साइड गिविन है अपन को उसका स्क्वायर कर दे तो इसका एरिया आ जाता है। साइड हमने ले रखी है ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला है वो डायगोनल से भी बनता है, जो कि होता है डी स्क्वायर अपॉन टू। हो सकता है बहुत बार क्वेश्चन में सीधे डायगोनल दे दी हो। डायगोनल होती है ये जो आमने सामने वाले जो कोने होते हैं इनको मिला के जो बनती है वो कहलाती है डी, यानी डायगोनल। तो ये हुआ इसका एरिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करें पेरीमीटर की, तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a। अब 4a पेरीमीटर मैंने आपको पहले ट्राइंगल वाले मेरे जो इसके पहले जो वीडियो बनाया था मैंने ट्राइंगल का पूरा 2D मेंसुरेशन का, उसमें बताया था पेरीमीटर होता है ये जो बॉर्डर लगानी है अपन को, तो इसको कहते हैं पेरीमीटर। अब जब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करेंगे तो वो आ जाता है 4a, और 4a इसका पेरीमीटर होता है। अगर आपने ट्रायंगल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको पूरी देखें ताकि उससे आपके और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें अपने एक इसमें जो है रिलेशन बनता है, जैसे डायगोनल पूछ ली जाती है बहुत बार कि डायगोनल बताएं, तो इसका डायगोनल का सीधा रिलेशनशिप दिया हुआ रहता है डायगनल इक्वल्स टू रूट टू ए। ए क्या है, ए साइड है और डी डायगनल है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन गिवन है इसका। नेक्स्ट बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल जो होता है जिसकी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है और ये दो साइड ये आपस में इक्वल होती है, यानी ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है लेकिन चारों साइड इक्वल नहीं है, और इसमें जो डायगनल जो है वो सेम एज इट इज रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इसके एरिया की, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल इंटू बी, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ एरिया का। पेरीमीटर की बात करें तो सेम वही होता है एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी टू एल प्लस टू बी, उसमें से भी टू कॉमन ले लिया तो टू एल प्लस बी इसका पेरीमीटर हुआ। अब जो बात करें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके डायगनल बताएं, तो इसके डायगनल का जो है सिंपल ये बन गई है पाइथागोरस थ्योरम। अब आप देखेंगे कैसे, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री होता है, तो बस वो ही सिंपल हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसका जो बन गया डी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायगनल आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो ये था इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन से। पहले हम दो सिंपल इजी क्वेश्चन लेंगे, एक स्क्वायर का एक रेक्टेंगल का, उसके बाद बात करेंगे हम पाथ की, यानी कोई गार्डन दिया हुआ है उसके किनारे किनारे कोई रोड बना रखी है तो उसका एरिया निकालने का, वो भी बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि कुछ इस तरह है, द लेंथ ऑफ द डायगनल एसी ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी इज 5.2 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि लेंथ जो है डायगनल की, यानी डायगनल दे रखी है हमको एसी ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी, यानी कोई स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर है इसका नाम है ए बी सी डी। अब इसमें जो है आपको डायगनल दे रखी है एसी, एसी जो है डायगनल उसकी लेंथ कितनी है, ये जो डायगनल दे दी आपको इसकी लेंथ जो दे रखी है आपको दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बताना है, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, अब आपको पूछा गया है स्क्वायर का एरिया। अब आप देखेंगे कि स्क्वायर का एरिया क्या होता था, एरिया होता था साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब अपने पास ए तो है ही नहीं, लेकिन हमने पहले फॉर्मूले पढ़ा है कि एक डायगनल से डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका रूट टू ए, तो ये इससे हमारी डायगनल निकल सकती है। ठीक है, तो हमको डी गिवन है, डी क्या है 5.2 इक्वल्स टू रूट टू ए। अब इस टू को इधर ले जाएंगे
तो ये हो जाएगा 5.2 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू ए। अब हमारे पास आ गई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमको केवल इस फॉर्मूले में पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, वो भी हम करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी 5.2 अपॉन रूट 2, ये तो हुआ ए, हमको कर देना है इसका स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 5.2 का स्क्वायर आएगा 27.04, 27.04 और रूट 2 खुल के हो जाएगा 2। ठीक है, देन सिंपल इसको कैंसिल कर लेना है, 2 से कट जाएगा तो 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, 0.25 जा 10 एंड 2 2 जा 4, तो 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आया एरिया। तो काफी इजी होते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना, और ये थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन लिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद हम धीरे धीरे हार्ड पे चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, वो कुछ इस तरह है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:2। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 80 मीटर, इट्स ब्रेथ इन मीटर इज, यानी कह रहा है लेंथ और ब्रेथ, एक रेक्टेंगल दे रखा है हमको, हम डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमको दे रखा है 3:2, यानी लेंथ इज टू ब्रेथ हमको गिवन है 3:2, हम इसको ले लेते हैं 3x एंड 2x, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 80 मीटर, इट्स ब्रेथ इन मीटर इज, पेरीमीटर दे दिया हमको 80 मीटर है तो उसकी ब्रेथ पूछ रहा है कि उसकी ब्रेथ क्या होगी। तो हमको करना क्या है, हमको लगाना है पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता था, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 80 इक्वल्स टू 2, लेंथ हमारे पास है 3x और ब्रेथ है 2x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल्स टू, ये 2 से कट जाएगा 240, तो यहां पर बचेगा 40 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 यानी 5x और ये 5 से कट जाएगा 8 टाइम्स, तो x जो आया हमारे पास वो आया 8। अब आप जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हम रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 8 16 24 और ये हो जाएगा 8 2 जा 16, हमसे पूछी गई है ब्रेथ, तो ब्रेथ जो आंसर आया हमारा आया 16, तो ब्रेथ जो है वो हमारी आई 16 मीटर और लेंथ आई 24 मीटर। तो काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है ताकि बच्चा हल्का सा कंफ्यूज हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व होते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि है पाथ बेस पर, यानी जिसमें रास्ते का हमको एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि कुछ इस तरह है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड 100 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड, यानी ये कह रहा है रेक्टेंगल की शेप की एक फील्ड है जो 100 मीटर लंबी है और 8 मीटर चौड़ी है। ठीक है, हैज अ ट्रेवल पाथ ऑफ 10 मीटर इन इट, मतलब उसके साथ एक 10 मीटर का पाथ जुड़ा हुआ है, इन इट रनिंग अराउंड इट, मतलब उसके चारों तरफ। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड यानी अंदर की तरफ कह रहा है, ये फ्रॉम इनसाइड यानी अंदर की तरफ, आउटसाइड बोलता तो उसके बाहर तरफ, यानी ये 100 मीटर 80 मीटर जो है, हम डायग्राम बनाते हैं, देखो ये हमारा बन गया रेक्टेंगुलर फील्ड, ये थी 100 मीटर, ये है 80 मीटर। ठीक है, इसके अराउंड यानी इसके चारों तरफ एक पाथ बना रखा है और इनसाइड यानी अंदर की साइड है, यानी इधर बनेगा, आउटसाइड होता तो बाहर बनता, ये है इनसाइड तो हम बनाएंगे अंदर की साइड। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर दे रखी है। अब जो हमको फाइंड करना है वो इस पाथ का एरिया। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, देखिए पाथ की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, टोटल पूरी थी 80 मीटर, तो ये अंदर वाली यानी ये बाहर वाली जो है 80 मीटर, तो ये वाली है, तो ये अंदर अंदर की ये जो बची ये कितनी होगी। अब आप देखिए 80 ये पूरी है, 10 ये है और 10 ये है, तो ये क्या हो जाएगी, 80 माइनस 10 माइनस 10 यानी ये हो गई 60। ऐसे ही ये वाली जब देखेंगे यहां से यहां तक, तो ये बाहर वाली पूरी 100 थी, ये बाहर वाली पूरी 100 थी, तो अंदर वाली कितनी होगी, 100 में से 10 ये वाला माइनस होगा और 10 ये वाला माइनस होगा, तो अंदर की जो बचेगी वो बचेगी 80।
तो ये तो आई अंदर की डायमेंशन और बाहर की डायमेंशन, ठीक है। अब हमको एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना है, देखिए सिंपल से आपको एक चीज करनी है, एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है। तो बिग रेक्टेंगल तो ये बाहर वाला हो गया और स्मॉल रेक्टेंगल ये अंदर वाला हो गया। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता था वो क्या होता था, लेंथ इनटू ब्रेथ। हम बड़े वाले की लेंथ को दे देते हैं कैपिटल बी और ये कैपिटल एल, और अंदर छोटे वाले को दे देते हैं स्मॉल एल एंड स्मॉल बी एंड स्मॉल एल, ठीक है। उससे छोटा बड़े का आपको अंतर ध्यान रहेगा। तो ये सिंपल हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमको सिंपल वैल्यू पुट करनी है, देखिए ब्रेथ थी हमारे पास 80 इंटू 100 माइनस 80 इंटू 60, ठीक है। तो इससे हमको सिंपल सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 8000 माइनस 8 6 48 और दो जीरो लगा देंगे, तो ये जब हम इसको लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3200। अब इसकी यूनिट जरूर लगाएं, मीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ पाथ आ गया। तो ये काफी इजी होते हैं और सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होता है और अच्छा भी रहता है क्वेश्चन, सिंपल तो आपसे पूछेंगे नहीं। एरिया ऑफ पाथ केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो बात करें अपने वीडियो के फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन की, तो वो कुछ इस तरह है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर इन लेंथ, ठीक है। मैंने डायग्राम बना दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो 30 मीटर इन लेंथ है, 22 मीटर इन विड्थ, ठीक है। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स ईच 2.5 मीटर वाइड, यानी ये जो है रोड ये है 2.5 मीटर, कितनी है 2.5 मीटर वाइड, आर ड्रॉन इनसाइड द फील्ड सो दैट वन रोड इज पैरेलल टू द लेंथ ऑफ फील्ड, यानी एक रोड जो है वो लेंथ के पैरेलल होगी एंड अदर रोड इज पैरेलल टू विड्थ, यानी दूसरी इस विड्थ के पैरेलल होगी। अभी पूछ रहा फाइंड द एरिया ऑफ रोड। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था हमने, बड़े वाले में से छोटा वाला लेस कर दिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो है एक छोटा सा अलग फॉर्मूला आएगा जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू, हमको क्या करना है, एरिया ऑफ रोड निकालना है। पहले देखिए, पहले हम निकालेंगे यहां से ये जो लंबी सी जो रोड बन रही है इसका, अब इसके डायमेंशंस क्या है, ये देखिए ये और ये पूरा बराबर है, तो इसकी जो लेंथ आ गई वो आ गई 30, ठीक है, एंड ब्रेथ आ गई 2.5, ब्रेथ दे रखी है। तो हमको क्या करना है, पहले तो बड़ी वाली रोड का ले ले, 30 इंटू 2.5, ये तो हुआ केवल इस रोड का। नेक्स्ट बात करते हैं इस रोड की, यानी ये जो खड़ी वाली जो रोड है ये, अब इसकी जो आ जाएगी ब्रेथ आ गई 22 और लेंथ कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर, ठीक है। तो हम ये भी प्लस कर देंगे इसमें, पहले ये करा, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं 22 इंटू 2.5, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ये मैंने लाइन जो बनाई है पाथ में, ये देखिए पहले इसमें खड़ी लाइन थी, इसमें ये आड़ी लाइन थी, तो ये देखिए यहां पर डबल हो गई ये लाइन, यानी हमने ये जो एरिया है, ये जो एक स्क्वायर बच रहा है, हमने इसको दो बार ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, ये बीच में से ये एक लेस कर देंगे। अब ये लेस करने के लिए देखिए, ये कितना है 2.5 और ये कितना है 2.5, तो हमको 2.5 इंटू 2.5, यानी एक स्क्वायर बन गया, हम एक स्क्वायर का एरिया लेस करना पड़ेगा तब ही परफेक्ट आंसर आएगा। तो हम लेस क्या कर देंगे 2.5 इंटू 2.5, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 30 इंटू 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 32 जा 60 और 30 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 15, यानी ये हो गया 75।
सेम एज ऐसे ये 22 इंटू 2 यानी 44 प्लस 11 यानी 55 इसका आंसर आ गया। एंड 2.5 इंटू 2.5 माइनस करेंगे तो वो होता है 6.25। अब सिंपली हमको इसको सॉल्व करना है तो 75 प्लस 55 इक्वल्स टू 130 हो गया माइनस 6.25 यानी ये आ गया 123.75 मीटर स्क्वायर यानी ये आ गया एरिया किसका, ये एरिया आ गया एरिया ऑफ पाथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन करना काफी इजी होता है। हमको इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक बार हमने इसका लिया एरिया, एक बार इसका लिया, लेकिन उस चक्कर में ये जो है बीच का जो स्क्वायर बच रहा है ये डबल हो गया यानी दो बार लेने में आ गया, तो हम इसका एक बार लेस कर देंगे उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही था। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्क्वायर रेक्टेंगल के। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, वॉल वगैरह के आते हैं वो हम 3D में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस यही था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सारी नॉलेज हो सके 2D मेंसुरेशन की। तो आज की वीडियो में बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप इसको #SuccessTricks96 नाम से भी सर्च कर सकते हैं।